हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम अपना रीडिंग लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आर्टिकल का नाम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर From a point, ठीक है, length of perpendicular from a point। तो इसको हम दोनों form में देखते हैं, एक cartesian form में और एक vector form में। तो पहले मैं देखता हूँ vector form, ठीक है। तो चलो पहले हम cartesian ले लेते हैं, cartesian form। तो देखना, ये मैंने मान लिया मेरी लाइन है और गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, दिस इज द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, और जिस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, उसका नाम तो है p और लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं। तो लेट्स से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको नाम दे दिया मैंने Q। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, PQ का लेंथ, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें, तो हम रिवर्स सोचते हैं कि PQ निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या पड़ेगा, P तो है, किसी तरीके से मुझे क्यों मिल जाए, क्योंकि अगर एक बार क्यों मिल गया तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आई कैन फाइंड द लेंथ PQ। तो अब मेरा टारगेट क्या हो जाएगा कि मेरे को क्यों निकालना है। अब क्यों निकालने के लिए फिर हम वही वाले पॉइंट पे, जो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है डेली चैप्टर, कि हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्या करेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ले लिया, तो क्या होगा, x1 plus a lambda comma y1 plus b lambda and z1 plus c lambda, ये क्या हो गया, this is a general point on this line, general point, ठीक है, in terms of lambda, मतलब lambda की अलग अलग value रखूंगा तो मुझे अलग अलग point मिलेंगे इस line पे, समझे। अब मुझे क्या निकालना है, क्यों निकालना है, मतलब लैम्डा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू पॉइंट को, तो वो मुझे निकालना है। अब मैं क्या फैक्ट यूज कर रहा हूं मैथमेटिकली वो निकालने के लिए, कि जो PQ है और जो लाइन है वो मेरा परपेंडिकुलर है। क्या दोबारा एक बार, जो PQ लाइन है और जो PQ है परपेंडिकुलर है और जो लाइन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो फैक्ट आई विल यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। उससे क्या होगा, मेरा Q आ जाएगा और फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PQ का लेंथ निकाल लूंगा। समझ में आया बच्चों, तो लेट्स यूज दैट फैक्ट। तो उसके लिए क्या लिखा मैंने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, अ लाइन जॉइनिंग x a एंड b वेयर a का कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1 एंड b का कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2, क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो उसी तरीके से मैं इसमें क्या लिखूंगा, dr, चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगे हमारे, x1 plus a lambda minus alpha, comma, y1 plus b lambda minus beta, and lastly z1 plus c lambda, z1 plus c lambda minus gamma। ये क्या है मेरे डायरेक्शन रेशियोस किसके, ऑफ PQ वेक्टर के। ठीक है, अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा, कि PQ जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, PQ के डायरेक्शन रेशियोस तो ये आ रहा है, और जो लाइन गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, वो इस लाइन को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है। तो ए बी सी क्या हुआ है, जो लाइन है गिवन लाइन उसके डायरेक्शन रेशियोस, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, उससे क्या होगा हमारा लैम्डा आ जाएगा। एक बार लैम्डा आ गया हम क्या करेंगे, we substitute here to get the coordinates of point Q। समझ आया बच्चों,
तो मैं इसको रब करता हूं, इसको लिखता हूं। हम फैक्ट क्या यूज करेंगे, PQ is perpendicular to the given line. PQ is perpendicular to the given line. तो मैं क्या यूज करूंगा, PQ जो वेक्टर है, लेट्स से मैं इसको पॉइंट नाम दे रहा हूं, लेट्स से दिस इज कैपिटल A, एक मिनट के लिए मान लिया। तो PQ जो वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू QA वेक्टर, और जो PQ वेक्टर है इसके लिए आपको ये लिखा है, और QA वेक्टर है दैट इज नथिंग बट अलोंग द लाइन, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी। तो क्या करूंगा, PQ डॉट विथ QA क्या करूंगा, दिस इज जीरो, क्यों, बिकॉज एंगल इज 90, cos 90 इज जीरो, तो लिखा हमने इसको। तो एक काम करते हैं, हम इसको रब करते हैं इस फिगर को, तुम लोग कॉपी कर लो इसको, अब इतना पार्ट की मुझे जरूरत है। तो PQ का, PQ के लिए क्या लिखूं, ये मेरा A1 का काम करेगा, ये B1 का, ये C1 का, ये A2, B2 एंड C2। तो व्हाट आई डू, X1 प्लस A लैम्डा माइनस अल्फा इनटू A प्लस Y1 प्लस B लैम्डा माइनस बीटा इनटू B प्लस Z1 प्लस C लैम्डा माइनस गामा इनटू C, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लैम्डा, ठीक है, बट जब हम न्यूमेरिकल डाटा लेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स कैलकुलेट हियर। तो ये हो गया हमारा, इधर से ए स्क्वायर लैम्डा, इधर से बी स्क्वायर लैम्डा और इधर से सी स्क्वायर लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को मैं उधर ले लिया, लैम्डा वाले टर्म्स को एलएचएस में रखा और बाकी टर्म्स को मैं आरएचएस में लिख लिया। उधर क्या बचेगा, ए लैम्डा, ए लैम्डा सॉरी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, और ये कह रहा हूं माइनस एक्स वन ए माइनस एक्स वन ए माइनस वाई वन बी माइनस जेड वन सी। तो फाइनली मेरा लैम्डा क्या निकल के आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा माइनस एक्स वन ए माइनस वाई वन बी माइनस जेड वन सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरा एक बार लैम्डा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा की वैल्यू को आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, उससे क्या होगा मेरा, क्या आ जाएगा उससे मेरा, नॉट सब्स्टिट्यूट, इधर नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने जनरल पॉइंट लिया था, किस पे, लाइन पे, वो क्या था बेसिकली x1 plus a lambda, y1 plus b lambda और z1 plus c lambda, क्या करूंगा मैं इसमें रखूंगा, जो मैंने q पॉइंट लिया था, x1 plus a lambda, y1 plus b lambda and z1 plus c lambda, मैं इसको इसमें रखूंगा, उससे क्या होगा मेरा q आ जाएगा, और एक बार q आ गया then I'll apply distance formula to find PQ। समझ में आया बच्चों, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके दोबारा देखो, और अगर फिर भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अब हम आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म पे, सो यू कैन पॉज द वीडियो, कॉपी करो, मैं इसके वेक्टर फॉर्म पे आता हूं। वेक्टर फॉर्म के बाद वी विल डू वन और टू इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस। तो चलो लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जो लाइन होगी वो हमें वेक्टर पॉइंट में दी होगी, और जिस पॉइंट से मुझे जिस पॉइंट से निकालना होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट क्या बोलेगा वो, पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट जहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर में क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट की जगह पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर इज अल्फा, इसका डिस्टेंस मुझे किससे निकालना है, इस लाइन से, और इस लाइन की इक्वेशन जो दी है वो हमें वेक्टर फॉर्म में दी है, और वेक्टर फॉर्म में दी क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ए क्या होता है, एक कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑन दिस लाइन, और बी क्या होता है, एक डायरेक्शन रेशियो, क्या बोल सकते हैं, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो अगेन सेम कहानी होगी, क्या कि हम सबसे पहले क्यू क्यू लिखेंगे, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पी जनरल पॉइंट क्या होगा, लैम्डा के टर्म्स में लिखा होगा, वो लैम्डा निकालने के लिए अगेन आई विल यूज द सेम फैक्ट कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और एक बार लैम्डा आ गया
तो क्यू क्यू पॉइंट में रख के आई विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पी का पोजीशन वेक्टर पता है, क्यू का पोजीशन वेक्टर पता है, तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और एक बार पी क्यू वेक्टर आ गया उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अ शॉर्ट दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। समझ में आया? तो क्या करूंगा मैं, क्यू एक जनरल पॉइंट क्यू क्या एज्यूम कर सकता हूं मैं लैम्डा के टर्म्स में, लेट्स से ए प्लस लैम्डा वन बी, दिस इज व्हाट अ जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। उधर हमने क्या लिया था, कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस में तुम्हें इस टाइप का यूज होगा कि टेकिंग जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इधर इन वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया? अब क्या करें, हम लैम्डा निकालने के लिए पहले मैं पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो, पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूं। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो दिस इज ए प्लस लैम्डा वन बी माइनस वेक्टर अल्फा, दिस इज पी क्यू वेक्टर। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या फैक्टर्स करो, जो पी क्यू है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू के पी क्यू वेक्टर तो ये रहा, और गिवन लाइन के अलोंग वेक्टर इज बी, हमें पता है वेक्टर फॉर्म में ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर अलोंग पैरेलल टू द लाइन। तो क्या करूं मैं, पी क्यू का डॉट विथ जीरो इज इक्वल टू जीरो, डॉट विथ बी इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या होगा, फ्रॉम हेयर वी विल गेट, फ्रॉम हेयर वी विल गेट लैम्डा, और एक बार लैम्डा आ गया देन आई विल सब्स्टिट्यूट इट इन पॉइंट क्यू, क्योंकि यहां हमारा लैम्डा था, लैम्डा वन बोलूं मोर स्पेसिफिकली, लैम्डा वन यही है मैंने, तो मेरा क्यू का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर, और एक बार क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया आई कैन गेट द पी क्यू का लेंथ, कैसे पी क्यू वेक्टर लिखेंगे, और पी क्यू वेक्टर ये लिखा है हमारा इसी में रख देंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आई आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे टू गेट द लेंथ। तो एक बार इसको डॉट प्रोडक्ट जीरो करके देखते हैं, तो ए प्लस लैम्डा वन बी माइनस अल्फा इसका डॉट विद वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, तो ए डॉट बी प्लस लैम्डा वन बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बी, अल्फा इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, सो इधर से मेरा दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इधर से मेरा क्या बोलते हैं लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा यहां से, लैम्डा वन इज इक्वल टू अल्फा डॉट बी माइनस ए डॉट बी होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। एक बार लैम्डा वन आ गया इसका मतलब मेरा क्या आ गया, क्यू का पोजीशन वेक्टर, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया मतलब हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया, पी क्यू वेक्टर आ गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेके वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ लेट्स सी सम इलस्ट्रेशन। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द जॉइंट्स ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं, तो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए, ये मेरा ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट इज 1, 0, 3। उसने क्या बोला है, इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, मतलब लेट्स से ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसको मैंने ज्वाइन किया, इससे मेरे को एक लाइन मिलेगी, इसका कोऑर्डिनेट इज, इसका नाम तो बी दिया है क्वेश्चन में, इसका कोऑर्डिनेट इज 4, 7, 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 3, 5, 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से ए बी सी यूज हो गया, लेट्स से दिस इज डी। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने जो आर्टिकल लिया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो उसमें एक्चुअली हमने इनडायरेक्टली दो आर्टिकल देख लिए, क्या क्या, एक तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारा, हमने निकाला क्या था उससे पहले स्टेप में, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, तो इसमें उसका हाफ स्टेप पूछा है, अभी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो कन्वेंशनल जैसा अभी अपन ने पढ़ा और एक थोड़ा सा अलग मेथड, देखना कैसे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, तो दिस इज माय मेथड वन, अब सुनना, तो मेरे को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमने आर्टिकल सीखा था उसमें हमें लाइन ली थी, इसलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइन एक स्टेप बढ़ा दिया, उसमें दो पॉइंट्स दे दिए बी एंड सी,
तो हमें पता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वेशन कैसे लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो मैंने क्या लिखा, पहले बीसी लाइन की इक्वेशन लिखी, बीसी लाइन की इक्वेशन लिखी, तो क्या हो जाएगा, लेट से मैं इसको एक्स वन वाई वन जेड वन बोल रहा हूँ, इसको भी बोल सकते हो तुम, लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो फोर माइनस थ्री इज वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस सेवन अपॉन वाई, ठीक है चलेगा, मैंने इधर क्या फोर माइनस थ्री वन लिखा, सेवन माइनस फाइव विच इज टू इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन वन माइनस थ्री इज माइनस टू। समझ में आया क्या लिखा मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, क्या लिखा दोबारा, एक्स माइनस फोर अपॉन फोर माइनस थ्री, तुम थ्री माइनस फोर भी लिख सकते हो डिनोमिनेटर, लेकिन अगर 3 माइनस 4 इधर लिखोगे माइनस 1, तो इधर भी मुझे y2 माइनस y1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इधर x1 माइनस x2 लिख रहा हूँ तो इधर मुझे y1 माइनस y2, इधर z1 माइनस z2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिखा, x1 माइनस x2, अब तो 4 माइनस 3 इज 1, 7 माइनस 5 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ऊपर आ गया 4 7 1 4 7 1, तो परफेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा बीसी लाइन का इक्वेशन, इस पॉइंट इस लाइन पे जनरल पॉइंट हम ले सकते हैं, तो क्या आएगा जनरल पॉइंट 4 प्लस लैम्डा, तो भी मैं क्या करता हूँ जनरल पॉइंट लेने के लिए इसको लैम्डा पे इक्वेट करते हैं, फिर वन को उधर लेके गए 4 प्लस लैम्डा, तो दिस इज 4 प्लस लैम्डा कॉमा 7 प्लस 2 लैम्डा, 7 प्लस 2 लैम्डा कॉमा एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस 2 लैम्डा, 1 माइनस 2 लैम्डा। ये तो क्या हो गया हमारा इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, बट बी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी लैम्डा की जिसके लिए डी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, वो निकालने के लिए हम क्या फैक्टर यूज करेंगे, थ्योरी में पढ़ा हमने AD इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, हेंस AD जो वेक्टर है उसका डॉट विद डायरेक्शन ऑफ लाइन इज जीरो। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट, सो आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, हां देखना मैं AD के पहले लिख लेता हूं क्या डायरेक्शन रेशियोस, तो 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 क्या लिख रहा हूं मैं AD के डीआरस, एडी के डीआरस डायरेक्शन रेशियो, सो ना 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 तो 3 प्लस लैम्डा कॉमा 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 0 तो 7 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। और हमें लाइन की डायरेक्शन दी है, दी है मतलब हमने निकाली भी 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2, तो ये तो हमारे कैसे काम करेगा, ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन और ये ए टू बी टू सी टू। अब हम लैम्डा निकालने के लिए क्या फैक्टर यूज करेंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज जीरो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो इसके बाद तुम लोग प्रोसीड करो, क्या करो लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकाल के क्या लिखूंगा मैं, फाइंड या फिर ऐसे लिखो सॉल्व फॉर लैम्डा, सॉल्व टू गेट लैम्डा और फिर हम कहां रखेंगे इसको, हम इधर रखेंगे, उससे क्या हो जाएगा हमारा फोटो पर्टिकुलर आ जाएगा। और अगर हमारा इसी क्वेश्चन में बोलता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर हम क्या करते बी कोऑर्डिनेट, पहले बी को निकालते निकालते फिर क्या करते हैं ए डिस्टेंस फॉर्मूला से ए भी निकाल लेते, दैट इज अवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। समझ में आया, ये तो हो गया मेथड 1 टू सॉल्व दिस, अब हम देखते हैं मेथड 2 फॉर दिस। तो वीडियो को पॉज करो, तुम लोग कॉपी करो सॉल्यूशन, मैं जंप करता हूं नेक्स्ट मेथड। अब देखना मेथड 2, दिस विल बी मेथड टू। देखना मैंने बोला कि जो डी पॉइंट है वो बीसी को कुछ रेशियो डिवाइड कर रहा होगा, तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस रेशियो इज लैम्डा इज टू वन, क्या बोला मैंने डी पॉइंट बीसी को डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू वन, तो
हम जैसे इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो उससे मैं क्या करूंगा, डी के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा लैम्डा के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू थ्री मतलब थ्री लैम्डा, डी के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा इंटू थ्री मतलब थ्री लैम्डा प्लस वन इंटू फोर, फोर प्लस फोर डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, एक्स डिवाइड बाय लैम्डा प्लस वन, तो क्या आएगा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस वन कॉमा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट लैम्डा इंटू फाइव मतलब फाइव लैम्डा प्लस वन इंटू सेवन डिवाइड बाय लैम्डा प्लस वन कॉमा, एंड लास्टली लैम्डा इंटू थ्री थ्री लैम्डा प्लस वन इंटू वन प्लस वन डिवाइड बाय लैम्डा प्लस वन। क्या हो गया हमारा, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने। उधर हमने क्या किया था, जनरल पॉइंट किया था लैम्डा के टर्म्स में, इधर हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डी का हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करेंगे लैम्डा निकालने के लिए, अब हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा प्रीवियस की तरह। क्या करेंगे, एडी वेक्टर निकालेंगे, एडी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इतना आई कैप, प्लस डी का वाई कोऑर्डिनेट इज 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 जे कैप, और लास्टली प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 के कैप। समझ में ये क्या हो गया हमारा एडी वेक्टर। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करें, एडी का वेक्टर का डॉट किसके साथ, बीसी वेक्टर के साथ। बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा अभी लिख लेंगे हम, तो ख्याल करेंगे बीसी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और जिसमें मेरा बीसी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 7 माइनस 2 जे कैप, और 3 माइनस 1 2 के कैप, ठीक है। तो क्या करो, एडी को इधर रखो, बीसी को ये भी बीच बीसी जो लिखा है उसको इधर रखो, दोनों का डॉट लेके 0 करो, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और एक बार लैम्डा आ जाए गेट लैम्डा, और लैम्डा एक बार आ गया सब्स्टिट्यूटेड इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो क्या आ जाएगा हमारा फोट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखेंगे कुछ इलस्ट्रेशन, दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन का फ्लो बताऊंगा, करना तुम्हें ही है, ठीक है। तो जो पहले दो क्वेश्चन है वो तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूं क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी हमने सीखा आज की क्लास में उसके बेसिस पे। एक छोटा सा पॉइंट क्या रखेंगे हम यहाँ, कि अभी जो इक्वेशन जो दी है इस क्वेश्चन में एट दिस मोमेंट, दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यही वाला क्रिटिकल पॉइंट था इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव होता है। तो एट प्रेजेंट जो 4 माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 लिखा है एंड 1 माइनस जेड अपॉन 3 लिखा है, दीज टू आर नॉट इन स्टैंडर्ड, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके डायरेक्शन रेशियोज पे कमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, माइनस 2 6 एंड माइनस 3। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं, 2, 6, 3, बट होगा क्या, माइनस 2, 6, -3, ठीक है। फिर बाकी तो जैसा अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही कैटेगरी में हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस इज अल्फा बीटा गामा देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने पहले किया फोटो परपेंडिकुलर निकाला, बट इसमें क्या किया इसने, इस क्वेश्चन को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो अल्फा बीटा गामा कुछ आएंगे वो इसमें रख के यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि फाइंड फोटो परपेंडिकुलर, उसने बोला फोटो परपेंडिकुलर इज दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, हमें निकालना है ये एक्सप्रेशन अल्फा बीटा गामा का, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन है वो जरूर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो।
मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं डिस्क्राइब करूंगा अभी, आई विल डिस्कस ब्रीफली, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। उसने क्या दिया है कि अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन मीट्स अ लाइन दिस एंड दिस एट पी एंड क्यू, देन फाइंड पी क्यू। तो मान लिया जो मेरी ये दो लाइन है, एक लाइन ये है, लेट्स से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। दिस इज लाइन लेट्स से L1, इसको L1 बोल रहा हूं। तो ये लाइन मेरी L1 है और ये लाइन मेरी L2 है। अब उसने बोला है कि एक तीसरी लाइन है जो मुझे निकालनी है, वो ओरिजिन से पास कर रही है। वो क्या कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। तो लेट्स से दिस इज ओरिजिन, ऊपर मान लो नीचे मान लो कहीं भी, वो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। और उसने L1 और L2 को P पे कट किया और Q पे कट किया, P पे कट किया और Q पे कट किया। फिर मुझे बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। क्वेश्चन समझ में आया? A line from origin meets the line L1 and L2 at P and Q, then you have to find the value of PQ, या फिर लेंथ PQ निकालना है। तो एक कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कैसे सोचते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो हम एक कन्वेंशनल तरीका क्या होता कि हम इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन में कैसे अज्यूम कर सकता हूं, अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन कैन बी टेकन एज, अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन कैन बी टेकन एज क्या, जैसे मैंने लिखा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, उसमें x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे 0 0 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन कैन बी टेकन एज x अपॉन a। चलो मैं इसको पहले लिख देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज x upon a is equal to y upon b is equal to z upon c, ठीक है। ये क्या है, this is the equation of line from origin, ठीक है। अब सुनना, तो अब मैंने इधर कितना पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, abc, पर मुझे abc का वैल्यू चाहिए, मुझे abc का रेशियो चाहिए। जैसे कल भी हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था जब मैंने बोला था कि तीन वेरिएबल्स निकालने के लिए वी जनरली रिक्वायर थ्री इक्वेशंस, बट मान लो मुझे उनका रेशियो निकालना है, देन आई रिक्वायर टू रिलेशन। मतलब मैं क्या करूंगा, ए को बी और सी के टर्म्स में निकाल लूंगा। तो मेरे को बी और सी में, तो ए जैसे मैंने बोला कि ए को मैंने सी के टर्म्स में निकाल लिया, बी को भी मैं सी के टर्म्स में निकाल लूंगा। दैट इज समथिंग लाइक, मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। बिकॉज मुझे एक बार एबीसी के रेशियो मिल गया, मतलब मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल गया लाइन का, फिर लाइन की इक्वेशन हो गई। लेट्स से मैंने लिखा a इज इक्वल टू, मान लिया मैंने कि ऐसा कुछ तो आया, a इज इक्वल टू 2c, b और b इज इक्वल टू 3c, एंड तो c तो है ही अपना c के बराबर। देखना ध्यान से, मान लो दो इक्वेशन मिली मुझे abc में और उनको निकालने पे मुझे ऐसा कुछ तो रिलेशन आया, देन व्हाट इज द रेशियो a इज टू b इज टू c, देख रहा है 2 इज टू 3 इज टू 1, मुझे उसी से मतलब है। तो अल्टीमेटली और मेरा टारगेट क्या होगा कि मैंने लाइन तो मान लिया लाइन फ्रॉम ओरिजिन, अब मेरा टारगेट है कि एबीसी में मुझे किसी तरीके से दो इक्वेशन मिल जाए। क्या बोला मैं, एबीसी में मुझे किसी तरीके से दो इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि तीन इक्वेशन से तो वैल्यू आ जाती है एबीसी की, बट मुझे चाहिए एबीसी का रेशियो। तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन चाहिए एबीसी में। ध्यान से देखना, अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को, आई होप कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करो कॉपी करो। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, मैंने क्या बोला एबीसी पे दो इक्वेशंस चाहिए। तो देखते हैं मैं कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कल भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि एक लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने क्या फैक्ट यूज किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन इज जीरो। देखना ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा L1, और लेट्स से मैं इसको नाम बन दे रहा हूं L3, L1, L3, इन दोनों के बीच में क्या करूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो करूंगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब जीरो करूंगा तो उससे मुझे क्या होगा, एबीसी में एक इक्वेशन मिलेगा। ध्यान से सुनना, एबीसी में एक इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली मैं एल वन और एल, सॉरी एल टू और एल थ्री जो है ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, इससे ही मुझे एबीसी में एक रिलेशन मिलेगा। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई एबीसी में, इसका मतलब एबीसी का रेशो मिल गया मुझे। तो फाइनली मेरे को इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, समझ में आया, एल थ्री लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब एक बार एल थ्री लाइन की इक्वेशन मिल गई, तब अब ये क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। मेरे को एल थ्री की मिल गई, फिर मैं उसको एल वन के साथ सॉल्व करूंगा।
कल बताया था सॉल्व कैसे करते, दोनों लाइन को इक्वेट करते हैं, आई और जे का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, उससे लैम्डा और म्यू निकाल के कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं क्यू का कोऑर्डिनेट निकालूंगा एन टू और एल थ्री सॉल्व करके, फिर एक बार क्यू पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए देन आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देख रहे हो कन्वेंशनल मेथड में कितना चीजें करनी पड़ रही है, ठीक है। एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैंने क्या क्या किया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बट इससे सीखने काफी कुछ मिलेगा। इसका कुछ कुछ छोटा छोटा पार्ट एक सेपरेट क्वेश्चन में यूज हो सकता है, जैसे हमने कल किया था, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैंने क्या फ्लो बताया इसका इन जनरल। हम क्या करेंगे, a line from the origin can be taken as this thing, x upon a is equal to y upon b is equal to z upon c. Then my aim is to get abc में दो equations. वो कैसे आएंगी, मैं l1 और l3 को solve करूंगा, मतलब l1 और l3 का shortest distance जो कल देखा था is 0, वो apply करूंगा तो उससे मुझे abc में एक equation मिलेगी। Similarly l2 और l3 को solve करूंगा, मतलब shortest distance between these two lines is 0, क्यों intersect कर रही है ना, तो again I will get a one relation in abc. उन दोनों को सॉल्व करके आई गेट एबीसी का रेशियो। एबीसी का रेशियो मिल गया मतलब मुझे L3 के डायरेक्शन रेशियोस मिल गए। डायरेक्शन रेशियोस मिल गए तो मतलब मुझे लाइन L3 मिल गई, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है तो पॉइंट है और डायरेक्शन है। एक बार L3 मिल गया, फिर L3 और L1 को सॉल्व किया टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, L3 और L2 को सॉल्व किया टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q. वंस वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, वी कैन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला टू गेट लेंथ ऑफ PQ. समझ में आया? तो ये तो गया मेथड वन फॉर दिस। ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करेंगे, बट तुम लोगों को अभी प्रैक्टिस के लिए करना है इसका, ठीक है। इसके अलावा यू कैन थिंक ऑफ वन और वन मोर मेथड, थोड़ा सोचना, कल हम उसको देखेंगे उस मेथड को, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।